प्यारे दोस्तों नमस्कार। पीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं चित्रकला के 48 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पंडित यशोधर ने किस शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से की है। तो ये की थी 11वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 2, अयार दानिश किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो ये है पंचतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय लघुचित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष समय किस शासक के समय को माना जाता है। तो ये माना जाता है राव उमेद सिंह के। क्वेश्चन नंबर 4, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं, ते लय कहते हैं। एक बात मैं आप सबको बता दूं, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं पीछे किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं पेपरों से मिला करके इसको मैं एक वीडियो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं पेपरों से उठा करके वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं। तो 2 आयाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में मिलते हैं। तो बादामी गुफा में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बादामी गुफा की खोज किसके द्वारा की गई। तो ये की गई थी स्टेला क्रैमरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, अजंता गुफा 1 का निर्माण काल माना जाता है। तो अजंता गुफा 1 का निर्माण काल जो है वो 7वीं शताब्दी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पुलकेशिन की सभा अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो ये गुफा संख्या 1 में चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 10, 3 संगीतज्ञ नामक चित्र के चित्रकार हैं। तो कौन है, पिकासो हैं। तो अब यहाँ पर बात आ गई है पिकासो की, तो इनसे रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चन याद आने चाहिए। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई 1973 में। और इन्हीं ये और मतलब पिकासो और ब्राक दोनों लोगों किसके थे, घनवाद के प्रणेता थे। और घनवाद का उदय कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो माना जाता है उदयपुर को। क्वेश्चन नंबर 12, नीली रात नामक चित्र का माप क्या है। तो ये 45 इंच × 30 इंच में बनाया गया है, और किस माध्यम में बनाया गया है, तैल माध्यम में। यहाँ बात आ गई है नीली रात, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीली रात नामक पेंटिंग किसकी है, तो MF हुसैन की है। तो इनका जन्म कब हुआ, 1915 में। कहाँ हुआ, सोलापुर महाराष्ट्र में। और भारत के एक ऐसे एकमात्र ऐसे कलाकार हैं कि जिनकी प्रदर्शनी पिकासो के साथ हुई, तो कौन है, MF हुसैन है। MF हुसैन का पूरा नाम होता है मकबूल फिदा हुसैन। अगला क्वेश्चन नंबर 13, शिल्पकला तथा रूपावली नामक ग्रंथ का लेखन कार्य किया। तो किसने किया था, नंदलाल बोस ने। यहाँ पर बात आ गई नंदलाल बोस की, तो 2-4 क्वेश्चन याद आने चाहिए। जैसे इनका जन्म कब हुआ, 1882 ईस्वी में। इन्होंने ही हरिपुरा कांग्रेस पंडाल के लिए चित्रण कार्य किया था, और उसकी विषय वस्तु क्या थी, ग्रामीण कृषक। और किस माध्यम में इसको चित्रित किया गया था, टेम्परा माध्यम में। अगला क्वेश्चन नंबर है 14, सांझी कला किस पर की जाती है। तो सांझी कला की जाती है भूमि पर। अब सांझी कला है क्या, एक लोक कला है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, KG सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान कब मिला। तो KG सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान 1981 ईस्वी में मिला था। अब यहाँ पर बात आ गई कालिदास सम्मान, तो ये किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, KG सुब्रमण्यम को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, तो 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, रागदीपक नामक चित्र किस शैली का है, ते बूंदी शैली का है। रागदीपक नामक चित्र किस शैली का है, ते बूंदी शैली का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18,
रागनी भैरवी नामक चित्र किस शैली का है? तो ये भी बूंदी शैली के, ये दोनों चित्र बूंदी शैली के बहुत विख्यात चित्र हैं। इनको आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि राग दीपक कहाँ पर और रागनी भैरवी कहाँ पर संग्रहित है, मतलब किस संग्रहालय में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त कला की सर्वप्रमुख विशेषता है, तो क्या है? मंदिरों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 20, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो किया गया था 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 22, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण काल माना जाता है? तो 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 23, नंदलाल बोस को 1954 ईस्वी में किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, स्नान स्थल नामक चित्र किसका है? ते जॉर्ज सोरा का। क्वेश्चन नंबर 25, के हेब्बर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1912 ईस्वी में दक्षिण कन्नड़ के एक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, 25 मार्च 1949 को किस ग्रुप की स्थापना हुई? तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी, मतलब दिल्ली शिल्पी ग्रुप की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, सैयद हैदर रजा किस रूप में जाने जाते हैं? तो दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, किस शासक ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो पल्लव शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 31, एस एच रजा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो एस एच रजा का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, रामकिंकर वैद्य का जन्म कहाँ हुआ? तो बंगाल में 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, 10 सितंबर 1890 ईस्वी में जोड़ासांको के टैगोर भवन में किस कलाकार का जन्म हुआ था? तो असित कुमार हलदार का। और ये कहाँ के शिक्षक नियुक्त हुए थे? लखनऊ कला विद्यालय के। तो यहाँ पर बात आ गई लखनऊ कला विद्यालय की, तो आपको मालूम होना चाहिए लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। तो इसके साथ साथ आपको और भी दो चार कला विद्यालयों के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना कब हुई? 1942 में। भारत में सर्वप्रथम कौन सा कला विद्यालय खुला? मद्रास कला विद्यालय। कलकत्ता की स्थापना कब हुई? कलकत्ता कला विद्यालय की 1954 में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, गवर्णिका नामक चित्र किस शैली में बनाया गया है? तो इसमें तीन शैलियों का मिश्रण है, अति यथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनावादी। क्वेश्चन नंबर 35, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? तो दक्षिणी शैली का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 36, समीक्षावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं तो कौन जाना जाता है? रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 37, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, विकास भट्टाचार्य के ऊपर किस शैली का प्रभाव है? तो अति यथार्थवादी कला का। क्वेश्चन नंबर 39, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताओ? तो के एस कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 40, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1901 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 41, ईसा के जीवन पर आधारित किस कलाकार ने चित्र बनाया? तो यामिनी राय ने चित्र बनाया। क्वेश्चन नंबर 42,
दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है तो वस्तु की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 43, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं तो नौ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम भारतीय आधुनिक महिला कलाकार थी तो कौन थी? अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 45, अंग्रेजी शासन के कारण किस शैली का जन्म हुआ? कंपनी शैली का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है तो पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47, जैन चित्र किस शताब्दी में कागज पर बने थे? तो जैन चित्र 15वीं शताब्दी में कागज पर बनने चालू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 48, रविंद्रनाथ के चित्र किस प्रकार के हैं? तो आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।